भागलपुर समेत पूरे बिहार में डेंगू का कहर जारी है। इसको लेकर जीवन जागृति सोसाइटी द्वारा अलग अंदाज में जागरूकता रथ निकाला गया। सिविल सर्जन डॉक्टर उमेश शर्मा व डॉक्टर अजय सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रथ को रवाना किया। जागरूकता रथ में मच्छरदानी लगाकर माइकिंग कर शहर में भ्रमण करते हुए डेंगू से बचने के उपायों को बताया गया। सिविल सर्जन ने कहा कि शहर में डेंगू के मरीजों की बढ़ोतरी हो रही है, ऐसे में ऐसी जागरूकता की जरूरत थी जो सराहनीय है। वहीं डॉक्टर अजय सिंह ने कहा कि डेंगू का प्रकोप बढ़ रहा है, लोग जागरूक नहीं हैं, उनकी जागरूकता के लिए अलग अंदाज में हम लोग निकले हैं। लोगों को रात के साथ साथ दिन में भी मच्छरदानी लगाने की जरूरत है। अभी हमारे भागलपुर शहर में तकरीबन हर मोहल्ले में डेंगू केसेस हैं, और कुप्पा घाट, सज्जानंद नगर और सुर्खी कल, इसमें 4-5 के करीब हर तीनों जगह मरीज है। 22 मरीज मायागंज में भर्ती हैं, तो तकरीबन अस्थिर है, कम नहीं हो रहा है, जिसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। मैं कल स्वयं कुप्पा घाट में जाकर मैंने स्प्रे कराया, और हर जगह मैं टेमीफोस का स्प्रे करा रहा हूँ, फॉगिंग भी चल रही है। तो लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है। दिन में इसका मच्छर काटता है, मच्छरदानी में रहें, रिपेलेंट लगावें, और अपने आस पास पानी जमा, साफ पानी जमा होने नहीं दें, ये गमले में हो या टायर में हो या इसमें क्या नाम है, कूलर में हो, नहीं कहीं भी पानी का, साफ पानी का जमा होगा वो मच्छर इसमें पनपेगा। तो हम लोग हाँ आज जागरूकता रथ अजय हाँ जीवन जागृति अजय जी निकलवा रहे हैं, डॉक्टर अजय कुमार, नहीं इनका प्रयास काफ़ी सराहनीय है। हम खोज रहे थे कि भाई इस बार क्यों नहीं है ना ये आगे आ रहे हैं, हम लोगों को प्रचार की जरूरत थी, और देखिए आज से ये शुरू हो गया, तो ये बहुत अच्छा है। लोगों में जन जन में ये जागरूकता फैलाना है कैसे बचें, चूँकि इसका उपाय इलाज नहीं है, इलाज कुछ नहीं है। बुखार आता है एकदम 15 दिन तोड़ कर रख देता है शरीर को एकदम, इसलिए एकदम ये ज़रूरी है कि हम लोग इससे बचाव के लिए प्रयासरत रहें। हाँ वो भी दिन में ऐसा है कि जैसा कि जानते हैं कि डेंगू पूरा फैला हुआ है, और इस साल इस समय हर साल होता है, और इसके लिए डेंगू का इलाज नहीं है। जैसे मलेरिया टाइफाइड का है, उस तरह से डेंगू का इलाज पक्का नहीं है, इसीलिए इससे बचाव ही उपाय है। और बचाव में दो चीज़ें हैं, एक मच्छर को पनपने नहीं देना है उसके लार्वा को, और दूसरा है कि वो काटे नहीं। तो पनपने नहीं देने के लिए आप जानते हैं, अभी सिविल सर्जन साहब ने भी कहा कि जहाँ भी साफ पानी, ये साफ पानी में पनपता है, जहाँ भी पानी जमा हो, कूलर में हो, टूटे बर्तन में हो, बालकोनी में हो, गमले में हो, तो उसको पानी को आप हटाते रहिए, डेली उसको रिमूव करिए, तो पनपेगा नहीं। दूसरा, काटने नहीं पाए मच्छर, तो इसके लिए एक मच्छरदानी भी है। और इसी को संदेश देने के लिए कि आप मच्छरदानी रात में प्रयोग करते हैं, लेकिन अभी समय है जो दिन में प्रयोग करें। जब भी आप आराम करते रहते हैं, दिन में सोते रहते हैं, मच्छरदानी के अंदर घुस के रहिए, बल्कि गप भी करते हैं तो आप मच्छरदानी के भीतर रख के करिए, तो मच्छर काटेगा नहीं। खास करके बुजुर्गों और बच्चों के लिए ज़रूर इसका प्रयोग दिन में भी करें। और दूसरा कि जैसा जानते हैं कि आप कूल इस रिपेलेंट का प्रयोग करें, ओडोमॉस लगाएं। जो ऑफिस जाते हैं उनको एक बात ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि आप फुल शर्ट सब, ये तो सब लोग पहने, पूरा कमीज बाँह खुली वाली नहीं पहने, लेकिन पैर में मोजे ज़रूर होना चाहिए, पैर अस्थिर रहता है और वहाँ मच्छर काटते रहता है। तो यह संदेश जागरूकता है, जीवन जागृति सोसाइटी का जागरूकता रथ, कि जो डेंगू फैल रहा है, तेज़ी से बढ़ रहा है या जानलेवा है, इसको बचने के लिए यह संदेश दे रहे हैं हम लोग कि मच्छरदानी का प्रयोग करें, और जो भी अन्य बातें हैं जो इसको बचने के लिए, उसका उपयोग ज़रूर करें। आपका जीवन, आपके और आपके परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, सरकार के भरोसे रहने से नहीं होगा। स्वयं आप जागृत हों तभी आप डेंगू से बच पाएंगे। आरपीएफ के सिपाही सदानंद सिंह का शराब पीकर ड्यूटी करने का वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि कल देर रात आरपीएफ के सिपाही सदानंद सिंह शराब के नशे में धुत होकर स्टेशन में लड़खड़ाते हुए ड्यूटी कर रहे थे। कुछ लोगों ने पूछा कि आप पर शराब पीने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की जिम्मेदारी है, उसके बावजूद खुद ही जब आप शराब पिए हुए तो शराबियों पर कैसे कार्रवाई करेंगे। इस पर वो कुछ नहीं बोले और लड़खड़ाते हुए टेम्पो में बैठ गए। वहीं काफी संख्या में लोग नशे में झूमते हुए सिपाही सदानंद सिंह का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। एक तरफ मुख्यमंत्री शराबबंदी को
को लेकर समीक्षा बैठक लगातार कर रहे हैं और कई दिशा निर्देश भी मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए हैं। इसके बावजूद जब पुलिस वाले ही शराब की मस्ती में होंगे तो फिर शराब तस्करों और शराबियों के खिलाफ कितनी कार्रवाई हो पाएगी समझा जा सकता है। नहीं समझ रहा है इसे, अब ठीक है पूरा टोल मोल है ये बाय बाय। आप देख लिए ना किस ढंग से बात कर रहा है, जाने दो। जितना भरा ये सर, ये आपका ये नंबर है, ये आपका नाम भी है, आपका अपना नाम अपने मुंह से बतलाइए तो क्या है आपको, हम आपको हम खुद घर छोड़ेंगे, इसलिए अपने नाम बतलाइए ना अपने। अच्छे बताइए आप लोग पैदा कहाँ से हुआ, मीडिया वाला पैदा कहाँ से हुआ? मीडिया वाले हम ये है कि भागलपुर न्यूज ये जो भी हो इंडिया का कोई भी। अच्छा पैदा बोलो कहाँ हुआ, इंडिया का पैदा कौन क्या हुआ, भगत सिंह कौन? भाई चोटो में बैठा हुआ उनको पैसा दे दो। आप लोगों का काम क्या है? वारी हूँ मेरा वीडियो में प्रेस से हूँ, ठीक है, और मैं आपको ये पैरवी कर रहे हैं इनका इनका कोई रिलेशन होंगे या तो मैंने कौन है मैंने कौन है, ये उम्र है इनका इसलिए दया लग रहा है आपको, है ना? मेरा नाम हुआ टिंकू कुमार सिंह। आपने क्या देखिए मतलब मीडिया वाला फायदा कहाँ से हुआ बोलिए। पूरे बिहार व झारखंड की महिला चिकित्सकों का 3 दिवसीय सम्मेलन आगामी 11 से 13 नवंबर को भागलपुर में होने जा रहा है, जिसकी तैयारी जोर शोर से की जा रही है, जिसको लेकर जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय नौलखा के प्रांगण में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें शहर की कई महिला चिकित्सक उपस्थित थे। इस कार्यक्रम का पहला दिन कार्यशाला के रूप में JLNMCH अस्पताल मायागंज में होगा, साथ ही 12 से 13 नवंबर को JLNMCH नौलखा में वैज्ञानिक सत्र का आयोजन किया जाएगा। ऑब्सगैनी सोसाइटी भागलपुर की प्रेसिडेंट व इस कार्यक्रम की चेयरपर्सन रेखा झा ने बताया कि भागलपुर के लिए काफी हर्ष की बात है कि अपने क्षेत्र में 3 दिवसीय महिला चिकित्सकों का कार्यशाला प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम में बिहार झारखंड की महिला चिकित्सकों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उन्होंने बताया कि ट्रेनर के रूप में बाहर के कई विशेषज्ञ आ रहे हैं। कार्यक्रम के तहत चिकित्सा के नए आयाम पर चर्चा की जाएगी। 11 नवंबर को सर्जरी डिपार्टमेंट मायागंज भागलपुर में वर्कशॉप का आयोजन किया जाएगा। 12 और 13 नवंबर को उद्घाटन वैज्ञानिक सत्र वैंकट सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें तकरीबन 300 से अधिक डेलीगेट्स के आने की स्वीकृति मिल चुकी है, जो पूरे भारतवर्ष के कई राज्यों से आ रहे हैं। वहीं उड़ीसा से डॉक्टर PC महापात्रा, दिल्ली से निकिता त्रिहान, अहमदाबाद से डॉक्टर सुमन चौधरी, पटना से पूनम दीक्षित अल्ट्रासाउंड सिखाने के लिए धन्यवाद से रेणु उपाध्याय के अलावे दर्जनों चिकित्सक भागलपुर पहुंच रही हैं। कार्यक्रम को सफल बनाने में 108 महिला चिकित्सकों की पूरी टीम लगी हुई है। प्रेस वार्ता के दौरान डॉक्टर रेखा झा, डॉक्टर रोमा यादव, डॉक्टर अर्चना झा, डॉक्टर प्रतिभा कुमारी, डॉक्टर वसुंधरा लाल के अलावे शहर के कई गणमान्य महिला चिकित्सक उपस्थित थीं। पूरे बिहार और झारखंड की जो भी गायनेकोलॉजिस्ट हैं, उनका ये हम लोग का एक एसोसिएशन है जो कि पिछले हम लोग 10-12 साल से चला रहे हैं, और जिसकी पैटर्न है हमारी डॉक्टर रंगीला सिन्हा मैडम जो कि मुजफ्फरपुर से, और उन्होंने ये अभी तक हम लोग अलग अलग शहरों में करते आ रहे हैं, जैसे कभी झारखंड में हुआ है, कभी बिहार में हुआ है, और मिला जुला के जितने भी भागल मतलब बिहार और झारखंड के जो हमारी सोसाइटीज़ हैं ऑब्सगायनी की, सब जगह ये हो चुका है। भागलपुर में ये दूसरी बार हो रहा है, पहला हुआ था 2008 में जो कि हम लोग का सेकेंड AOGSBJ कॉन्फ्रेंस था, और ये अब हमारा 9th AOGSBJ कॉन्फ्रेंस हो रहा है, 9वां है ये। तो हर साल या 2 साल के अंदर में हम लोग ये इस तरह का कॉन्फ्रेंस करते हैं, और इसमें बेसिकली जो है जो हमारे बिहार और झारखंड के जो डॉक्टर्स हैं, स्पेशली जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं, छोटे जो रिमोट एरियाज़ में हैं जो कि बाहर नहीं जा सकते हैं, उनको अपडेट करने के लिए इस तरह का कॉन्फ्रेंस हम लोग करते हैं, जिसमें पहला तो मैं डॉक्टर रंगीला सिन्हा यंग टैलेंट अवार्ड
जो एक प्रोग्राम है AOG SBJ का वो होने जा रहा है, जो दो दिन होगा 12th और 13th को। डॉक्टर रंगीला सिन्हा मैडम जो AOG SBJ जो बिहार और झारखंड एसोसिएशन का होने जा रहा है डिवीजन, उसकी पैटर्न रही है और उनके नाम पे ये अवार्ड दिया जाएगा। इसमें जो हमारी यंग डॉक्टर्स हैं वो लोग अपना पेपर प्रेजेंट करेंगी और उनको प्रोत्साहन के रूप में जो उसमें से बेहतर अपना पेपर दे पाएंगी उनको अवार्ड दिया जाएगा, जिससे कि और भी आने वाले यंग डॉक्टर्स हैं वो प्रोत्साहित होंगी और अपना पेपर प्रेजेंटेशन पर वो ध्यान देंगी और जो रिसर्च के काम में भी आएगा और आगे बढ़ने डॉक्टर को आगे बढ़ने के भी काम में आएगा। हमारा 3 दिन का ये वार्षिक अधिवेशन 3 दिनों तक चलेगा, 11, 12 और 13 नवंबर। जैसा कि डॉक्टर अनुपमा ने कहा कि 11 तारीख को हमारा सर्जिकल वर्कशॉप होगा और वह होगा मायागंज में जो जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय का अस्पताल है उसके सर्जरी विभाग में होगा। यह हुआ कार्यक्रम सुबह 9 बजे से शुरू होकर 5 बजे तक होगा। 12 और 13 तारीख को ये जो हमारा साइंटिफिक सेशंस होगा वो यही नौलखा कोठी में इसी मेडिकल कॉलेज कैंपस के परिसर में होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इसमें 11 तारीख को हमारा एक और कार्यक्रम है जिसमें कि हम अपनी यहाँ की जनता NGO पब्लिक इन लोगों से अपना इंट्रैक्शन करेंगे। पब्लिक फोरम हम लोगों ने वैभव में आयोजित किया है, होटल वैभव में, और संध्या 7 बजे से 1-2 घंटे का कार्यक्रम होगा जिसमें कि तरह तरह के हमारे जो फॉक्सी के बड़े बड़े जो ये बड़ी बड़ी जो गायनेकोलॉजिस्ट आ रही हैं और वो डिफरेंट कमेटी की चेयरपर्सन हैं जैसे MTP कमेटी की, पब्लिक अवेयरनेस कमेटी की, तो वो लोगों के प्रश्नों का जवाब देंगी। और पब्लिक अवेयरनेस का मतलब ही होता, पब्लिक फोरम का मतलब होता लोगों में जागरूकता जगाना। और अच्छे बड़े सर्जन्स जो उड़ीसा से आ रहे हैं, डॉक्टर PC महापात्रा और डॉक्टर निकिता त्रिहान जो दिल्ली से आ रही हैं और डॉक्टर सुमेश चौधरी जो अहमदाबाद से आ रहे हैं, ये और डॉक्टर पूनम दीक्षित, ये लोग मिल करके सर्जरीज करेंगे जिससे हमें नए नए चीज़ देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा जो वैज्ञानिक सत्र है उसमें भी हमें ICOG क्रेडिट पॉइंट्स मिले हैं, 10 क्रेडिट पॉइंट हमें वैज्ञानिक सत्र के लिए मिले हैं और 3 क्रेडिट पॉइंट हमें वर्कशॉप्स के लिए मिले हैं। तो ये हमारे लिए एक अचीवमेंट है कि हमारा छोटा सा जगह है लेकिन इतने लोग आने के लिए राज़ी हैं और हमें सिखाने के लिए राज़ी हैं। और मैं एज ऑर्गेनाइजिंग चेयरपर्सन, मेरा नाम है डॉक्टर रेखा झा, मैं बहुत ही आशा करती हूँ कि ये अधिवेशन बहुत अच्छे से हो। और हम कल वर्कशॉप है गायनेकोलॉजिकल सर्जरीज का, मेनली लैप्रोस्कोपिक सर्जरी और वेजाइनल सर्जरी। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के लिए बहुत सारे लोग आ रहे हैं बाहर से, डॉक्टर निकिता त्रिहान मेनली, और जो डिफ़िकल्ट वेजाइनल सर्जरी होती है उसका भी वर्कशॉप होगा। इसके अलावा पोस्ट लंच सेशन में अल्ट्रासाउंड वगैरह का ट्रेनिंग भी दिया जाएगा। बिहार में घूस लेने वाले कर्मचारियों के खिलाफ लगातार निगरानी की टीम छापेमारी कर घूसखोर कर्मियों को गिरफ्तार कर रही है। इसी क्रम में शेखपुरा के बरबीघा स्थित 23 पंचायत के विशेष सर्वेक्षण कानूनगो संजीत कुमार और विशेष सर्वेक्षण अमीन छोटेलाल सोनी को एक डॉक्टर से जमीन का सर्वे करने को लेकर 70,000 रुपये की मांग की थी, जिसकी शिकायत डॉक्टर के द्वारा निगरानी विभाग को की गई, जिसकी जाँच के बाद निगरानी की टीम ने दोनों कर्मियों को घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। वहीं पूर्णिया जिला के मुफस्सिल थाना के ASI लालजी राम को केस कमजोर करने के एवज में 10,000 घूस मांगना परिवादी से महंगा पड़ा। यहां भी परिवादी ने निगरानी को शिकायत की, जिसकी जांच के बाद ASI को घूस लेते गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं घूस लेने के मामले में दोनों जिले से पकड़े गए तीनों आरोपियों को निगरानी की टीम ने निगरानी कोर्ट में पेश किया, जहाँ से कोर्ट ने गिरफ्तार आरोपियों को जेल भेज दिया है। सर कैसे पकड़ा है ये लोग? जो पूरा बरबीघा प्रखंड से जो पकड़े गए हैं, वहाँ दो लोग पकड़े गए हैं, एक वहाँ कानूनगो के पद पर थे, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो जो अनुबंध पर हुआ था 20 जून, और वहीं पर एक विशेष सर्वेक्षण अमीन कानूनगो था, आपका नाम संजीत कुमार, और जो अमीन है वो छोटेलाल सोनी। ये एक डॉक्टर संजनी कुमार जो परिवादी थे, इनके जमीन के सर्वे के लिए इसके लिए इन्होंने 17,000 रुपये का रिश्वत की मांग की थी और रिश्वत लेते हुए दोनों पकड़े गए। आप पूर्णिया से? सर
पूर्णिया वाले के तो प्रभारी अरुण पासवान जी भी हैं, वो उसके बारे में नाम बताएंगे, अभी मेरे पास उनका नाम नहीं है। शेखपुरा से दो पकड़े गए हैं, शेखपुरा से दो पकड़े गए हैं। पूर्णिया से ये पता है कि वो ASI थे जो कि किसी केस को कमजोर करने के लिए 10,000 रुपये की रिश्वत ले रहे थे। भोलानाथ पुल फ्लाईओवर इसाकचक पहुंच पथ संघर्ष समिति के कार्यकर्ताओं ने समाहरणालय स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर अपनी मांगों के समर्थन में घेराव किया। उनकी मांगे हैं, जिस तरह भोलानाथ पुल फ्लाईओवर ब्रिज से उत्तर और दक्षिण वालों को सुविधा होगी, उसी तरह पूर्व और पश्चिम वालों के लिए भी पहुँच पथ दी जाए, जिससे तकरीबन दर्जनों इलाकों की 5 लाख की जनसंख्या को आने जाने में सुविधा मिले। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि हम लोगों को खुशी है कि भोलानाथ फ्लाईओवर ब्रिज बन रहा है, अगर पहुँच पथ नहीं दिया गया तो पूर्वी क्षेत्र वालों के लिए इस पुल बनने का कोई फायदा नहीं होगा। हमारी मांगे हैं, इस पुल से पहुंच पथ भी जोड़ा जाए, जिससे पूर्वी क्षेत्र वालों को आने जाने में सुविधा होगी। हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो यह प्रदर्शन और भी बृहद रूप से किया जाएगा। इसके लिए सड़क जाम करना पड़े तो करने के लिए हम लोग तैयार हैं। है कि फ्लाईओवर में पूरब की ओर और पश्चिम डिक्शन रोड की ओर ये पहुँच पथ नहीं दिया जा रहा है, जबकि जन आंदोलन के दबाव के आगे पिछली सरकार में मंत्री रहे नितिन नवीन जी द्वारा यह घोषणा किया गया था और आश्वासन दिया गया था कि हमें पहुंच पद दिया जाएगा, लेकिन इंजीनियर्स के गलत रिपोर्ट जिस भी कारण से हो यह पहुंच पद आज हमको नहीं दिया जा रहा है। तो यह स्वतः समझा जा सकता है कि बिना पहुंच पद के इस फ्लाईओवर की क्या उपयोगिता रह जाती है। अगर यह फ्लाईओवर नहीं मिलेगा तो पूर्वी क्षेत्र के 3 विधानसभा, 5 ग्राम पंचायत एवं 3 वार्ड पार्षद के लगभग 5 लाख की आबादी इस फ्लाईओवर के फायदे से विमुख रहेंगे, वंचित रहेंगे और हमारी समस्या घटेगी नहीं बल्कि बढ़ जाएगी। समाहरणालय स्थित वैकल्पिक विवाद समाधान लोक अदालत सुलह एवं मध्यस्थता केंद्र में जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस का 27वां वर्षगांठ मनाया गया। इस अवसर पर जिला जज के साथ साथ कई जजों ने दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान पैन इंडिया के द्वारा नालसा की तरफ से एग्जीबिशन लगाया गया है, जिसमें विधिक सेवा के द्वारा नालसा की स्कीम को दर्शाया गया, वहीं सरकारी योजनाओं का भी स्टॉल लगाया गया है। वहीं सिल्क से जुड़ी महिला उद्यमियों के द्वारा भी एग्जीबिशन में स्टॉल लगाया गया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव का कहना है कि निर्धन व्यक्तियों तक विधिक सेवा मिल सके और निर्धन व्यक्तियों को सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ मिले, इसको लेकर लगातार जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा कार्य किए जा रहे हैं, जिससे गरीब लोगों को सहायता मिल सके। आज राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस है जो हर साल 9 नवम्बर को मनाया जाता है और इस साल इसका 27वां वर्षगांठ है। इसको पैन इंडिया की तरफ से एक एग्जीबिशन का आयोजन करने के लिए कहा गया था, नालसा के द्वारा ये निर्देश पे ये आयोजन किया गया है, जिसमें विधिक सेवा के द्वारा हमारे जो नालसा के जितने स्कीम्स हैं उनका प्रदर्शनी लगाया गया है। उसके अलावा सरकारी योजनाएं जो भी हैं उनका भी लगाया गया स्टॉल, जिसमें आंगनवाड़ी वाली और जीविका बाल गृह से संबंधित हैं। उसके अलावा सिल का जो भी कारोबार करते हैं महिलाएँ वो कर रहे हैं, इन लोगों का बहुत अच्छा से इन्होंने अपना कार्यक्रम यहाँ पर प्रस्तुत किया है जो बहुत अच्छा है और इन्होंने हर छोटी छोटी बात का ध्यान रखा है। भागलपुर के कचहरी चौक के पास अचानक एक महिला सड़क पर गिर पड़ी, जिसके बाद आने जाने वाले लोग आते जाते रहे लेकिन महिला की मदद करने के लिए कोई नहीं रुका। वहीं ट्रैफिक व्यवस्था में लगे ASI अरुण पासवान ने महिला वगैरह देखकर तुरंत सिपाहियों के साथ महिला के पास पहुंचे और महिला को उठाकर सिपाही के साथ इलाज के लिए अस्पताल भेजा। अस्पताल के लोगों का कहना है कि महिला विक्षिप्त है और इस प्रकार से घूमती रहती है, अचानक ही वो गिर गई। पुलिस कर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए महिला को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया।